ये देखो भाई, काफ़ी दिन के बाद बैलगाड़ी देखने को मिली है। तो भाई काफ़ी दिन के बाद बैलगाड़ी, वो भी दिल्ली जैसे एरिया में देखने को मिली है, तो वही आपको मैंने दिखाई है। तो साथियों, स्वागत करता हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में। एक्चुअली इवनिंग का टाइम है और 6:15 हो रहे हैं और मैं इवनिंग वॉक कर रहा हूँ, और ये जो वॉक कर रहा हूँ मैं यमुना के किनारे वॉक कर रहा हूँ। तो आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा सा हरियाणा का एरिया है, हरा भरा और हरा भरा, और इसीलिए आपको ये बैलगाड़ी भी देखने को मिल गई है। तो चलिए, उसने एक पुरानी याद ताज़ा कर दी है। और देखिए, मैं आपको ट्रैक दिखाता हूँ जिस जगह मैं आप ये वॉक कर रहा हूँ। ये देखिए भाई, ये यमुना का किनारा है, उस जगह नोएडा है, और इधर ये खेती वाली ज़मीन है, यहाँ पे खेती हो रही है। और देखिए, ये है वो सड़क जिसके ऊपर हम वॉक कर रहे हैं। ये देखिए भाई, ये भी बंदा हॉर्स राइडिंग कर रहा है। बहुत बढ़िया है। ये देखो भाई, एक और बंदा आ गया। ठीक है, खाली रोड है, मस्ती मार रहे हैं इस पर हॉर्स राइडिंग करते हुए। तो भाई, मेरे साथ प्रेमपाल जी हैं, दोनों भाई हम वॉक कर रहे हैं। कैसा मजा आ रहा है ना वॉक करने में? बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। एकदम। तो इवनिंग में कभी कभी हम लोग यहाँ पे ही वॉक कर लिया करते हैं और यहीं पर ही आ जाते हैं हम। ये देखो भाई, इस रोड पे कुछ लोग पार्टी भी कर रहे हैं, बच्चे लोग। ये देखिए, अच्छा अच्छा बर्थडे है। क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश। अरे पियो पियो पियो। चलो भाई, जन्मदिन मुबारक हो। चलो इंजॉय योर सेल्फ, हाँ इंजॉय करो। तो भाई, बच्चे लोग थे रोड पे खड़े होके बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना, तो ठीक है, चलता है, इंजॉय कर रहे हैं। वैसा इंजॉय नहीं कर रहे हैं कि दारू वारू पी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पेप्सी पी रहे हैं और सिंपल केक काट रहे हैं आपस में। एक्चुअली ये बात बतानी बहुत जरूरी है ना, इसीलिए मैंने बताई। हाँ, क्या कर रहे हो? इधर गेहूं की कटाई हो रही है। गेहूं की कटाई भी दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये गेहूं है। ये देखिए साथियों, ये गेहूं है इधर, और उधर गेहूं की कटाई भी चल रही है। कटाई तो कर दी है इन्होंने, और ये देखिए, ये यहाँ पे इन्होंने गेहूं भी निकाल दिया है, भूसा पड़ा हुआ है, ट्रैक्टर भरा हुआ खड़ा हुआ है गेहूं के साथ। और ये देखिए भाई, गेहूं कट गया है और ये इसमें ट्रैक्टर में भर रहे हैं, और इन्होंने गेहूं इकट्ठा कर लिया, और ये देखिए साइड में भूसा पड़ा हुआ है। तो अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि कहीं दोबारा बारिश ना आ जाए, लेकिन अब तो मुझे लगता नहीं है बारिश आएगी, क्योंकि फसल बारिश ने बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया। फसल तो इस बार मौसम ने बहुत बर्बाद कर दिया। क्या लगता है, कुछ निकलेगा फसल में से? निकलेगा। हाँ, क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो भाई, मैं तो खेती के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं निकलेगा, क्योंकि ये जानते हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। जो ज़्यादा कच्चा था उसमें नुकसान है, जो पका था उसमें नुकसान नहीं है। अच्छा, जो पका है उसमें नुकसान नहीं है, जो कच्चा था उसको नुकसान हो गया। तो साथियों, वॉक भी कर रहे हैं और आपको यहाँ का नज़ारा भी दिखा रहे हैं। मज़ा आ रहा है यहाँ पे वॉक करते हुए। अक्सर मैं भी आ जाता हूँ, इवनिंग वॉक करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो आपको बताया मैंने, अपने उधर पार्क जो फॉरेस्ट है उसमें वॉक कर लेता हूँ, लेकिन इवनिंग में जहाँ पे भी जो जगह मिल जाती है वहाँ पे वॉक कर लेते हैं, क्योंकि वॉक का हमें भी थोड़ा सा नशा है, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ जी, हाँ जी, इन्हें भी नशा है। साथियों, इस रोड पे चलते हुए थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ जो निकलती हैं ना, बहुत फास्ट निकलती हैं। तो भाई, जो गाड़ियाँ निकलती हैं ना यहाँ से, फास्ट निकलती हैं। रीज़न ये है क्योंकि रोड ना खाली रहता है, तो इसलिए जिसको भी मौका मिलता है वो तेज़ दौड़ा लेता है, लेकिन वॉक करने वाला तो थोड़ा कॉन्शियस होकर चलता है, इसीलिए बस हम लोग भी कॉन्शियस होकर चल रहे हैं, ऐसा ही है ना? हाँ जी, हाँ जी, इसलिए चलते हैं कि यहाँ पे हर किसी को इस रास्ते का पता नहीं है, फास्ट इसलिए चलते हैं लोग। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, खाली रहता है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए साथियों, यहाँ पे गेहूँ की फसल जो है काट रहे हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जनरली अब सभी खेत कट जाएंगे यहाँ पे। ये देखो भाई, यहाँ से अमर सिंह जी आ रहे हैं। हाँ जी अमर सिंह जी, कहाँ टहलने जा रहे हो? भाई ये शर्मा गए हैं कुछ। हाँ, क्या कह रहे हो? अमर सिंह जा रहा है ठेके पे पौआ पीने। अच्छा, पौआ पीने। ओके ओके, पीछे दादा सिया ठेके। अच्छा अच्छा, तभी इसीलिए शर्मा गए थे। तो भाई वो पौआ पीने जा रहे हैं।
तो भाई आ जाइए, जो पौवा पीने के शौकीन है वो पौवा पिएगा और जो वॉक करने के शौकीन है वो वॉक कर रहे हैं। ये देखो भाई, अब हम लौट रहे हैं। ये जो बच्चे अभी बर्थडे बना रहे थे, ये केक इन्होंने उसके मुंह पे लगाया होगा और ये सारा केक इधर बिखरा पड़ा है। भाई मुझे तो पसंद नहीं आती ये चीज़। आप बताओ, अगर आपको अच्छा लगता हो तो ये सब केक लगाना और वो करना, ये तो सब मुझे तो बेकार लगता है बहुत। जन्मदिन मनाने आते हैं, कोई केक खाता थोड़ा है, एक दूसरे का मुंह सानेंगे और रोड पर डाल देंगे। हाँ भाई, वो मुंह पे लगा देते हैं और बेकार कर देते हैं, तो भाई पैसा भी जाता है इतना और वो खाते भी नहीं है। रोड पे कितना पड़ा देखना, रोड के ऊपर मैंने आपको दिखाया, बहुत पड़ा है। तो भाई ये बहुत बेकार लगता है, गंदा लगता है, मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं है। बाकी आप ही कमेंट करके बताएं क्या आपको ऐसा अच्छा लगता है या नहीं लगता। जन्मदिन जो मनाने आता है वो बच्चे ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही करते हैं भाई, केक को खराब करते हैं, खाते नहीं है। तो बड़े लोगों को तो ये बहुत बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो कृपया आप भी ऐसा ना करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके बताएं, कमेंट करें कि किस किस को ऐसा अच्छा लगता है और किस किस को नहीं लगता। तो साथियों, वॉक हमारी अब कंप्लीट हो गई है, अब हम भी घर को निकलते हैं, सॉरी ऑफिस को निकलते हैं, उसके बाद घर को निकलेंगे। तो आज इवनिंग वॉक मैंने आपको दिखाई है। तो साथियों कमेंट कीजिएगा आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।